झारखंड के सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन की बेटियों ने अपने दिवंगत पिता के नाम पर दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया है। बिजनेस मैनेजमेंट और विधि की पढ़ाई कर चुकी राजश्री सोरेन और जयश्री सोरेन ने शुक्रवार को विजयादशमी के मौके पर इसकी घोषणा अपनी मां के दुर्वा स्थित सरकारी आवास पर की। हालांकि इस आयोजन में सीता सोरेन शामिल नहीं हुई। पहले कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन आएंगे, लेकिन बकौल राजश्री दादाजी ने आशीर्वाद ही दिया है, वो इस फैसले से बेहद खुश है और बीमार होने की वजह से नहीं आ सके हैं। सीता सोरेन की दोनों बेटियों ने इस मौके पर लिखित भाषण पढ़ा, दावा किया कि ये उनका गैर राजनीतिक मंच होगा। हालांकि दोनों इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की छात्र अथवा युवा शाखा के रहते हुए अलग से संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि पिता का नाम दुर्गा सोरेन है और विजयादशमी के दिन उनके नाम पर सेना की स्थापना का उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार, विस्थापन, जमीन की लूट समेत अन्य मसलों पर संघर्ष करना है। ये पूछे जाने पर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कैसा काम कर रही है, तो उन्होंने हेमंत सोरेन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अंकल झारखंड को आगे बढ़ा रहे हैं, वे सरकार को 100% से भी ज़्यादा अंक उन्हें देना चाहेंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।